एनसीपी नेता अनिल देशमुख ने बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि देवेंद्र फडणवीस ने एमवीए के नेताओं को फंसाने के लिए उनके पास एक बिचौलियों को भेजा था। फडणवीस पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है, मुझे झूठे बयान देने के लिए कहा गया था, यह अनिल देशमुख का कहना है। उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे पर आरोप लगाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, मेरे पास पेन ड्राइव में सारे सबूत मौजूद हैं, ये कहना है अनिल देशमुख का। मुझे कहा आप जेल जाने से बच जाओगे अगर आप हमारी बात मान लेते हो, अगर आप हलफनामे में आप साइन कर देते हो, क्योंकि उस वक्त अनिल देशमुख पिछली सरकार में गृह मंत्री थे। देवेंद्र फडणवीस ने 3 साल पहले मेरे ऊपर दबाव लाया था केंद्र शासन के जरिए, मेरे ऊपर दबाव लाके देवेंद्र फडणवीस ने मुझे उस वक्त उद्धव जी ठाकरे के खिलाफ मैं एफिडेविट करने के लिए बोला था, आदित्य ठाकरे के खिलाफ मैं झूठा एफिडेविट करने के बोला था, अजीत पवार के खिलाफ झूठा एफिडेविट करने के लिए बोला था। उसका कल मैंने बयान कल सब माध्यम को दिया है, और जो मैंने देवेंद्र फडणवीस के ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने मुझे झूठे आरोप में फंसाया और हमारे सब नेताओं के ऊपर आरोप करने के लिए मुझके ऊपर दबाव डाला था, एफिडेविट करने के लिए बोला था, उसका सभी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास में है, ये पेन ड्राइव है, कोई मुझे चैलेंज करेगा तो मैं ये पेन ड्राइव के जरिए मैं पूरा उसका खुलासा करूंगा। उसी प्रकार कल देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनके पास मेरे बारे में कुछ वीडियो क्लिपिंग्स है, वो वीडियो क्लिपिंग में मैंने कुछ शरद पवार साहब के बारे में बोला है, कुछ उद्धव ठाकरे के बारे में बोला है, मेरा जाहिर आह्वान देवेंद्र फडणवीस को है कि उन्होंने उनके पास जो वीडियो क्लिपिंग्स है मेरे बारे में उसको उन्होंने जग जाहिर करना चाहिए, लोगों के सामने लाना चाहिए, मेरा उनको आह्वान है। तो अनिल देशमुख के आरोपों पर देवेंद्र फडणवीस का भी जवाब सामने आ गया, उनका कहना है कि मेरे पास भी ऑडियो वीडियो है, ये कहना है देवेंद्र फडणवीस का। देशमुख के खिलाफ मेरे पास भी सबूत है, मेरे खिलाफ झूठे आरोप ना लगाएं अनिल देशमुख, झूठे आरोप लगाए तो सबूत सार्वजनिक कर दूंगा। तो ये कहा गया अनिल देशमुख के इस आरोपों पर देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। दरअसल अनिल देशमुख का कहना है कि मेरे पास खरं म्हणजे आता सीबीआयनी जी चार्जशीट दाखल केलेली आहे त्या चार्जशीट मध्ये स्पष्टपणे त्यांनी सांगितलेलं आहे कशा प्रकारे गिरीश महाजनांवर मोका लागला पाहिजे, गिरीश महाजनांवर खोट्या केसेस लागल्या पाहिजे, याकरता वारंवार गृहमंत्री म्हणून अनिल देशमुख यांनी त्या ठिकाणी दबाव टाकला आणि हे गुन्हे दाखल करायला लावले। खरं म्हणजे या संदर्भातले ऑडिओ व्हिज्युअल पुरावे मी स्वतः दिले होते आणि त्याच्यावरच सीबीआयकडे केस झाली आणि त्या केसमध्ये सीबीआयनी पुराव्यासहित। अनिल देशमुख के आरोपों को लेकर महाराष्ट्र में सियासत तेज हो गई है। उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि अनिल देशमुख ने गंभीर आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि यह झूठा नैरेटिव है। आज जो अनिल देशमुख जी कह रहे हैं वो इतने सीरियस स्टेटमेंट्स हैं क्योंकि वो भुक्त भोगी हैं, उनको जेल में महीनों तक रखा हुआ विदाउट चार्जशीट विदाउट एविडेंस, और आज जब वो कहते हैं कि मुझे फेक एफिडेविट कह रहे थे साइन करिए, जो कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, जो झूठे आरोप लगा रहे हैं, तभी हम आपको रिहा करेंगे, और स्ट्रेट वो आ रहा है देवेंद्र फडणवीस जी के ऑर्डर से। झूठा कितना बोलना इसमें आपको स्मेल आता है, 2-2.5 साल बाद बोलेंगे कि देवेंद्र फडणवीस जी ने मुझे ऐसा कहा था वैसा कहा था, उन्होंने मेरे मुझ पर ऐसा दबाव डाला, और वो गृहमंत्री वो समय के झूठी बातें हैं, जनता को कंफ्यूज करने के लिए गुमराह करने के लिए एक और नैरेटिव तैयार कर जा रहा है। कांग्रेस नेता ने भी अनिल देशमुख के बयान पर कहा कि केंद्र में मोदी सरकार के बनने के बाद से ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल हुआ है, तो वहीं संजय राउत ने कहा कि अनिल देशमुख को षड्यंत्र के तहत जेल भेजा गया था। अनिल देशमुख जो कह रहे हैं वो सच होगा क्योंकि
नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद देश में जिस तरह से ईडी और सीबीआई का यूज किया गया है वो कभी नहीं किया गया, वो यूज इन लोगों ने किया और उसके परिणाम कई लोगों को भुगतने पड़े। निरपराध लोगों को इन लोगों ने जेल में डाल के रखा है, जो इनके फेवर में है उनको छोड़ दिया गया है, उनके ऊपर की ईडी की केसेस वापस ली गई है, सीबीआई की केसेस वापस ली गई है। तो अनिल देशमुख जी जो कह रहे हैं वो बात सच होंगी। एक षड्यंत्र का हिस्सा बनाकर अनिल देशमुख को जेल में भेजा गया और जेल में भेजने से पहले उनके ऊपर दबाव आया था कि जो हम बोलेंगे वो करो, उद्धव ठाकरे जी का नाम लो, शरद पवार जी का नाम लो, किसी केस में आदित्य जी का लो, नहीं तो आपको आपके पीछे ईडी लगाएंगे और जेल में भेजेंगे। संवाददाता अंकुर त्यागी इस वक्त मुंबई से जुड़ रहे हैं। अंकुर, आखिर इस पेन ड्राइव में है क्या और वो कौन से हलफनामे थे जिसको साइन करने के लिए दबाव डाला जा रहा था, आरोप क्या लगाने के लिए कहा जा रहा था आदित्य ठाकरे पर, उद्धव ठाकरे पर? देखिए, जो मौजूदा माहौल है वो ये बताता है कि विधिवत तौर पर महाराष्ट्र में आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसने दस्तक दे दी है, और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं वो अपने आप में इस बात की कहानी पूरी बयां कर रहे हैं। अनिल देशमुख ने जिनका अलग अलग बयानों के बारे में बात करी, चाहे अनिल परब के संदर्भ में है, अनिल परब का एक मैटर स्ट्रक्ट ईडी में चल रहा है, इसके अलावा जो आदित्य ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे हैं, उनके दो अलग अलग मैटर हैं जिसको लेकर बात हो रही है, अजित पवार का मैटर था, तो ये अलग अलग मैटर हैं जिनको एक साथ क्लब कर क्योंकि उस वक्त गृहमंत्री के तौर पर काम कर रहे थे अनिल देशमुख और इनके ऊपर आरोप लगे थे। अगर आपको याद होगा मुंबई के पूर्व जो सीपी थे परमवीर, उन्होंने लेटर लिख के एक लेटर बम डाला था जब उसके बाद कुर्सी चली गई थी, और अब तकरीबन जब ये पूरा कार्यकाल खत्म होने जा रहा है तब ये आरोप लेकर वो मीडिया के सामने आए हैं। जाहिर तौर पर उन्होंने अपनी तरफ से बातें रखी है, उन्होंने ये कहा है कि मेरे पास पुख्ता सबूत है, पेन ड्राइव है। अब ये पेन ड्राइव में क्या है ये अभी तक उन्होंने खुलासा नहीं किया है, लेकिन जब इस पेन ड्राइव को सार्वजनिक करेंगे तब पता चलेगा कि आखिर उसके अंदर वो कौन से सबूत है जिसका दावा अनिल देशमुख कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।